ओके स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। सो मेरा नाम है वैशाली पांडे, वेलकम टू सी यू टी बाय अडर 24/7। एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए, एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए स्टूडेंट्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू ऑल, और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में, ठीक है। तो गुजारिश है कि आप फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए, जो नए हैं इस चैनल पर वो सब्सक्राइब कर देंगे इस चैनल को, क्योंकि आपका ये जितने भी आपके यूजी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनके लिए ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका ये चैनल। साथ ही अगर आप नहीं मुझे जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम वैशाली पांडे है। एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा। हर हर महादेव प्रिया शाह, हर हर महादेव बेटा। अकाउंट वाला गुड मॉर्निंग। अच्छा चलिए, प्रिया शाह, पंडित चंद्र प्रकाश शुक्ला, अपनी मंजिल को भूल कर जिया तो क्या जिया है, दम तो उससे पाकर दिखा लिख दें, अपने खून में इतिहास और बोल किस्मत को है दम तो इसे मिटा कर दिखा। अरे भाई इतना इतना जोशीला, वाह भाई वाह। शुभम सूर्यवंशी, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग इंडिया। लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन ऑफ टुडे, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सेशन को स्टार्ट करेंगे विद अ वेरी वार्म मॉर्निंग। बिल्कुल गुड मॉर्निंग मुस्कान, गुड मॉर्निंग। पर्दा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको ये दो सेशन नज़र आ रहे होंगे, एक हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन है, एक हमारा वीकली करंट अफेयर्स सेशन है। डेली करंट अफेयर्स सेशन मंडे टू फ्राइडे होता है 7 AM पर, और सैटरडे को जो सेशन होता है वीकली करंट अफेयर्स होता है, ये भी सुबह 7 बजे होता है। तो आपको मेरे साथ मंडे टू सैटरडे डेली लाइव 7 बजे जुड़ना है, जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स की एनालिसिस करती हैं, MCQ सेशन करते हैं और जनरल नॉलेज इस सेशन, ये पूरा पैकेज रहता है, ठीक है। अभी एक 8:30 बजे ये जो सेशन रहता है मॉक टेस्ट 3 का, ये सुबह 8:30 बजे रहता है 8:30 AM पर। 8:30 AM पर आपका अंतिम प्रहार मॉक टेस्ट रहता है मेरा करंट अफेयर्स का, ठीक है। तो आपको मेरे साथ एक 7 बजे जुड़ना है और एक 8:30 बजे जुड़ना है लाइव, ठीक है बेटा। 6 मंथ्स की मैं कवर करवा रही हूँ, 6 मंथ्स की सीरीज में इस सेशन में कवर करवा रही हूँ, और 6 मंथ्स का आपको आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रेशियस स्माइल जी, आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रहार बैच है, इसे आप अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है, आपके अभी तक एडमिट कार्ड भी नहीं आया है, जैसे एडमिट कार्ड आएगा वैसे हमें डेट का भी अंदाज़ा लग जाएगा, तो आप लोग इसे एनरोल कर लीजिए और अपनी पढ़ाई एकदम अच्छे तरीके से कर लीजिए। 15 दिन का ये रिविजन सेशन है, ठीक है। चलिए, कोड यूज़ करना है कैपिटल Y455 मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सम्या विद योर ब्रेड बटर एंड योर टी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए थर्ड ऑफ द डे देखते हैं। डू समथिंग एवरी डे दैट ब्रिंग्स क्लोजर टू योर गोल। स्टूडेंट्स अब आपका एग्जाम आ रहा है, ठीक है, आपका एग्जाम है, अपने दिमाग से फियर को हटा दीजिए, अपने दिमाग से उस डर को हटा दीजिए, अपने दिमाग से ज़्यादा मत सोचिए अपने दिमाग से कि कैसे होगा क्या होगा। लीव एवरीथिंग टू गॉड, लीव एवरीथिंग टू गॉड, ही इज़ द सुप्रीम पावर। आपके हाथ में क्या है, काम करना, इन योर हैंड्स इट इज़ ओनली टू वर्क। कहते हैं ना, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो कर्म आपके हाथ में है, कर्म करिए, रिजल्ट आपको ईश्वर देगा, ठीक है। सो नीड नॉट टू वरी अबाउट द रिजल्ट, फोकस ऑन योर हार्ड वर्क, राइट। बिल्कुल, और जितने भी दिन बचे हैं गिव योर 100%, गिव योर 100%। जो जल्दी उठते थे लेकिन अब नहीं उठ पा रहे थे, वो जल्दी उठना स्टार्ट कीजिए। जो रात में पढ़ते थे लेकिन रात में अब डिस्टर्बेंस होता है, तो रात में आप फोकस करके पढ़ाई करिए। डू कुछ चीज़ें करते रहो ना, आपको रिजल्ट आपका जरूर मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल, योर टैडी, तुम भूल गए थे, फिर आगे तुम सेशन में। चलो, जनरल टेस्ट, करंट अफेयर्स, MCQs और जनरल नॉलेज आज के सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। बिल्कुल, लेट्स स्टार्ट। पहले क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। बिल्कुल, फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए। ओके, फोकस करना आप क्लास पर। इंडियन आर्मी इज पार्टिसिपेटिंग इन द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लिमिट ईयर 2022 विद विच कंट्री। इंडियन आर्मी जो है ये पार्टिसिपेट कर रहा है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है लिमिट ईयर 2022, किस कंट्री के साथ। फटाफट से आंसर करेगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर स्टूडेंट्स। बिल्कुल बताइए इसका आंसर क्या होगा। योर आंसर हियर विल बी बी, दैट इज सेशल्स। सेशल्स वो कंट्री है जिसके साथ हमारी इंडियन आर्मी
ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है जिसका नाम है लेमिटिए 2022। अगर हम बात करते हैं शेचल्स की, अगर बात करते हैं शेचल्स की, तो शेचल्स का सॉरी स्टूडेंट्स शेचल्स का कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है स्टूडेंट्स? विक्टोरिया। ठीक है, विक्टोरिया इसका कैपिटल है। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट शेचल्स के प्रेसिडेंट कौन है? शेचल्स के प्रेसिडेंट कौन है? वैवल राम कलावन ये प्रेसिडेंट है स्टूडेंट्स। कॉन्टिनेंट किस कॉन्टिनेंट में आता है अपना शेचल्स? अफ्रीका में आता है। इज इट क्लियर टू यू? बताइए, इज इट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? शेचल्स किस कॉन्टिनेंट में आता है? ये आता है अफ्रीका में। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। योर टैडी जी, हु हैज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर फॉलोइंग द स्टेट असेंबली इलेक्शंस 2022। हाल ही में मणिपुर का नया चीफ मिनिस्टर किसे अपॉइंट किया गया है? बताइए। वेरी गुड, योर आंसर विल बी व्हाट? बताइए स्टूडेंट्स, आपका आंसर क्या होगा इसमें? ओके, पढ़ाई कर लो थोड़ा सा जल्दी से, फटाफट से। वेरी गुड, योर आंसर हियर विल बी डी, दैट इज एन बीरेन सिंह। सो एन बीरेन सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर फॉलोइंग द स्टेट असेंबली इलेक्शंस 2022। ठीक है, अगर हम बात करें गवर्नर की, मणिपुर के गवर्नर कौन है? बताइए, मणिपुर के गवर्नर कौन है? बताइए फटाफट से। वेरी गुड, ला गणेशन मणिपुर के क्या है बेटा? गवर्नर है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बताइए, क्लियर है? बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, मणिपुर का कैपिटल क्या है? इम्फॉल। मणिपुर का कैपिटल क्या है बेटा? इम्फॉल है। और साथ ही अगर हम बात करते हैं मणिपुर के नेशनल पार्क की, तो यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क है? एक हमारे एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट आता है, एक आता है बेटा केबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो कि कहाँ पर है बेटा? मणिपुर में है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। बिल्कुल टेडी जी, थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। When is the World Water Day observed by the United Nations? World Water Day United Nation के द्वारा किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? फटाफट से आंसर करेगा, आंसर क्या होगा? बताओ, गेस करो इसका आंसर क्या होगा। योर आंसर हियर विल बी सी, दैट इज मार्च 22। सो मार्च 22 इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड वाटर डे एंड इट इज ऑब्जर्व बाय द यूनाइटेड नेशन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, थीम क्या है इस बार के वर्ल्ड वाटर डे का? बताइए, वर्ल्ड वाटर डे का थीम क्या है इस बार का? बताइए स्टूडेंट्स, इस बार का थीम क्या है वर्ल्ड वाटर डे का? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ये इस बार का थीम है वर्ल्ड वाटर डे का स्टूडेंट्स। आई बात समझ में? समझ में आ रही बात की नहीं? बताइए, क्या आपको बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? बिल्कुल, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल इस बार का थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन इकोनॉमिस्ट हु हैज बीन रोप्ड इन बाय द यूनाइटेड नेशन एज अ मेंबर ऑफ इट्स न्यूली एस्टैब्लिश्ड एडवाइजरी बोर्ड ऑन इफेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म।
आपको उस इंडियन इकोनॉमिस्ट का नाम बताना है जिसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा चुना गया है एज द मेंबर ऑफ इट्स न्यूली एस्टैब्लिश एडवाइजरी बोर्ड ऑन इफेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म. स्टूडेंट्स बताइए, फटाफट से आंसर बताइएगा. वेरी गुड, इसका आंसर होगा डी, दैट इज जयति घोष. सो जयति घोष एक इकोनॉमिस्ट हैं, ये एक इकोनॉमिस्ट हैं. और स्टूडेंट्स इनको ना जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है, यूएन के सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम क्या है? एंटोनियो गुचरीस. इन्होंने इनको बनाया है, ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड का क्या न्यू मेंबर. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट. ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक टू ऑफर फुली ऑटोमेटेड ऑटो लोन्स. ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन है, इसको लॉन्च किया गया है किस बैंक के द्वारा ऑटोमेटेड ऑटो लोन्स को ऑफर करने के लिए? फटाफट से आंसर करिएगा. व्हाट विल बी द राइट आंसर स्टूडेंट्स? एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए. स्टूडेंट्स 164 आर वॉचिंग, लाइक इज ओनली 52. एक बार फटाफट से आंसर लाइक कर दीजिए सेशन को. गुड मॉर्निंग चौबे गुरु. इसका आंसर क्या होगा? एच डी एफ सी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है, ठीक है. एच डी एफ सी बैंक के साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक, जस्ट वेट अ सेकेंड, HDFC बैंक के साथ ICICI बैंक और SBI, ये तीनों हमारे क्या हैं? डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं. डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स कौन से बैंक होते हैं? वो बैंक जो अगर फेल हो गए तो हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, तो इनको डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स कहते हैं, ठीक है. जैसे HDFC बैंक है और ICICI बैंक है और SBI बैंक, तो ये तीनों हमारे डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की कैटेगरी में आए हैं, ठीक है. चलिए, समित जायसवाल गुड मॉर्निंग. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट. सरदार बर्दी मुंह मेदोव हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? व्हाट विल बी द राइट आंसर स्टूडेंट्स? सरदार बर्दी मुंह मेदोव, इनको किस कंट्री का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है? बताइए फटाफट से, इसका आंसर क्या होगा? तुर्कमेनिस्तान. योर आंसर यह विल बी तुर्कमेनिस्तान, ठीक है बच्चे. हाँ, अगर हम तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो तुर्कमेनिस्तान एक कंट्री है, कहाँ पर? सेंट्रल एशिया में. सेंट्रल एशिया में बेटा ये कंट्री है तुर्कमेनिस्तान. हाँ, बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोले बताओ बिल्कुल. तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? सरदार बर्दी मुदोव ये प्रेसिडेंट है, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान के. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2022? तो ये मैं तो अभी बताई चुकी हूं. इसका आंसर यहां पे ए होगा, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल. 22 ऑफ मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे 2022 ऑब्जर्व करते हैं. नेक्स्ट, द वर्ल्ड पोएट्री डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? वर्ल्ड पोएट्री डे हम किस दिन ऑब्जर्व करते हैं? बताइए. वेरी गुड, वेरी गुड. इसका आंसर यहां पर होगा बी, दैट इज 21st ऑफ मार्च. सो 21st ऑफ मार्च इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड पोएट्री डे. विच डे ऑफ द ईयर इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे? वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे का किस दिन मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या है? बताओ. What is the theme of the World Water Day Syndrome और किस दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है. बताइए स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड स्टूडेंट्स. आयुष त्यागी बहुत बढ़िया. What will be the right answer? Your answer here will be A, that is 21st of March को World Down Syndrome Day मनाया जाता है. और थीम क्या है स्टूडेंट्स? थीम क्या है? Inclusion means
इस बार का थीम रहा है किसका, वर्ड डाउन सिंड्रोम डे का. नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ 2022 वर्ड डाउन सिंड्रोम डे. देखो पूछ लिया गया इसका आंसर क्या होगा, इंक्लूजन मींस. सो योर आंसर हियर विल बी डी, दैट इज इंक्लूजन मींस. सो 21st of March इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ड डाउन सिंड्रोम डे. क्लियर है, बताओ. नेक्स्ट, डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया डॉक्टर अजय कुमार हैज कमीशन द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप डैश रिसेंटली. इंडियन कोस्ट गार्ड शिप को प्यार से हम ICGS भी बोलते हैं. तो आईसी कौन सी ICGS है जिसको रिसेंटली अजय कुमार जी ने कमीशन किया है, स्टार्ट किया है, बताइए. स्टूडेंट्स का आंसर फटाफट से दीजिएगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर स्टूडेंट्स. वेरी गुड, इसका आंसर यहां पर क्या होगा, योर आंसर विल बी सी, दैट इज सक्षम. अगर हम बात करें ICGS की, ICGS फॉर्म कब हुआ था, August 18, 1978 में ये फॉर्म हुआ था. हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में. हेडक्वार्टर कहाँ पर बच्चे, न्यू दिल्ली में है हेडक्वार्टर. और डायरेक्टर जनरल कौन है ICGS के, वीरेंद्र सिंह. डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया तो जान ही गए, डॉक्टर अजय कुमार, ठीक है. हाँ, और इसका मोटो क्या है ICGS का, बताइए. वी प्रोटेक्ट आपका मोटो है ICGS का. सो डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है डॉक्टर अजय कुमार, इनको कमीशन किया गया है, इनको कमीशन किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड शिप में रिसेंटली, और वो शिप का नाम है सक्षम. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेम द ऑथर ऑफ द बुक रिस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी. एक बुक लिखी गई है, इसका नाम बताइए फटाफट से, इसका नाम क्या होगा. एक बुक लिखी गई है रिस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक. गुड मॉर्निंग सक्षम, हाउ आर यू. देखो अभी सक्षम नाम का एक पढ़ा रहे थे, एक सक्षम नाम का ICGS का आया था, सक्षम ICGS सक्षम, जिसको अजय कुमार ने कमीशन किया है. योर आंसर योर विल बी सी, दैट इज रुंडपा रंगनाथा विश्वनाथ. तो ये इनको इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है रिस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेटेड द डोल उत्सव और डोल यात्रा, द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. किस स्टेट ने ऑब्जर्व किया डोल उत्सव या डोल यात्रा, बताइए स्टूडेंट्स. इसका आंसर फटाफट से दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा. बताइए इसका आंसर क्या होगा. आंसर क्या होगा, वेरी गुड वेरी गुड. इसका आंसर क्या होगा, योर आंसर विल बी डी, दैट इज वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है, ममता बनर्जी. वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है, जगदीप धानकर. बच्चे ये वेस्ट बंगाल के क्या हैं, जनता जवाब चाहती है, ये क्या हैं, ये हैं गवर्नर, ठीक है. हाँ बिल्कुल सही है. अगर हम वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क की बात करेंगे, वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क की, तो आपको तो ये पता चल गया चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धानकर. वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क की बात करेंगे तो यहाँ पे सुंदरबन नेशनल पार्क है. कौन सा है, सुंदरबन नेशनल पार्क है. और है जल्दापारा नेशनल पार्क है. एक है गोरुमारा नेशनल पार्क है. और एक क्या है, न्योरा वैली नेशनल पार्क. ये हमारे चार नेशनल पार्क्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि आपके वेस्ट बंगाल में स्थित हैं.
आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, फटाफट से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए स्टूडेंट्स। वेरी गुड रौनक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो प्रिटिजर प्राइज इज एन इंटरनेशनल अवार्ड गिवन एनुअली टू रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विच फील्ड। बताइए आंसर क्या होगा। प्रिटिजर प्राइज ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है, ये दिया जाता है किस फील्ड में रिकॉग्नाइज करने के लिए। योर आंसर योर विल बी ए, दैट इज आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में दिया जाता है प्रिटिजर प्राइज, ये इंटरनेशनल अवार्ड है जिसको आर्किटेक्चर के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, वट इज द प्रोजेक्टेड जी डी पी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन दी फिस्कैल 2022-23 एज पर फिच रेटिंग। वट विल बी द राइट आंसर स्टूडेंट्स, फटाफट से आंसर करिएगा, इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग एवरी वन। सौरभ, विश्वास, धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा, योर आंसर विल बी सी, दैट इज 8.5%। तो फिच रेटिंग के अकॉर्डिंग जी डी पी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है हमारे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए 8.5% रहा है। अजंग अगर हम फिच रेटिंग की बात करें, क्योंकि इनके द्वारा ये दिया गया है ये रेटिंग, तो फिच रेटिंग के बारे में आ सकता है एग्जाम्स में। फिच रेटिंग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। फिच रेटिंग का हेडक्वार्टर है बेटा न्यूयॉर्क में। सीईओ कौन है, पॉल टेलर, पॉल टेलर, TALYOR टेलर, पॉल टेलर सीईओ हैं, ठीक है। फाउंडर कौन थे, फिच रेटिंग के फाउंडर है जॉन स्नोलेस, जॉन स्नोलेस। आई बात समझ में, 24th of December 1913 को ये न्यूयॉर्क में फाउंड हुआ था हमारा फिच रेटिंग। ये एक तरीके की रेटिंग एजेंसी है, क्या है, रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वट इज़ द प्रोजेक्टेड जी डी पी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर एज पर द फिच रेटिंग। तो अगेन इसका आंसर 8.5% ही होगा। विच सिटी हैज़ बीन एडजस्ट एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन IQAR 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। कौन सी सिटी बाई वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है IQAR 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक। बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। Your answer here will be D, that is New Delhi. ठीक है, New Delhi is the right answer. बिल्कुल। New Delhi के chief minister कौन है, अरविंद केजरीवाल हैं। New Delhi में कौन कौन सा national park, zoological park है, एक आपका हौज खास, हौज खास आपका यहाँ पे national park है, ठीक है। हाँ, बेसिकली यहाँ पे तीन नेशनल पार्क है हमारे दिल्ली के अंदर, राइट। और जो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि फर्स्ट नेशनल पार्क हमारे इंडिया से कौन सा पहला नेशनल पार्क था, तो आपको पता होना चाहिए कि जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका पहला नेशनल पार्क है इंडिया में। फर्स्ट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारे इंडिया के अंदर। ये कहाँ पर है, ये है उत्तराखंड में, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ठीक है। बिल्कुल, गिर, गिर फॉरेस्ट टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है, वो गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है, गुजरात में है। सबसे ज़्यादा जहाँ से टाइगर लाए जाते हैं वो गिर फॉरेस्ट ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बीन एडजस्ट एज द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन IQAR वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट। किस कंट्री ने टॉप किया है वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री में, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, बांग्लादेश। योर आंसर विल बी बांग्लादेश। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का कैपिटल क्या है, ढाका है, और करेंसी क्या है, टाका है। करेंसी क्या है बेटा, टाका है, ठीक है। हाँ, ये वर्ल्ड के जो हमारा बांग्लादेश है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट,
लार्जेस्ट डेल्टा, लार्जेस्ट रिवर डेल्टा के लिए काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। हाँ, जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर को मिलके बनती है, ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर को बनके मिलती है। समझ में आ रही बात कि नहीं, बताओ। बिल्कुल बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है? बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, शेख हसीना। ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है स्टूडेंट्स। आई बात समझ में, बताओ कि नहीं, कुछ समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, वो ये बांग्लादेश का याद है, कौन सा गाना चला था, कांटा लगा हाय लगा, है ना, वो जो कांटा लगा वाला है, वही ढाका टाका, बांग्लादेश का ढाका टाका उसी से मैच करता है, कांटा लगा से, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी वीमेन हैज बीन अवार्डेड विद द वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स इन 2022? हसीना, हाँ हाँ देखो, किशन कन्हैया बोल रहे हैं मैम मजा नहीं आ रहा है, रूप बदल के आती हूँ। किशन कन्हैया भी है, रूप बदल के आती हूँ भी है। बताइए इसका आंसर फटाफट से दीजिएगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर? हाउ मेनी वीमेन हैज बीन अवार्डेड विद द वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स WTI इन 2022? बताइए बताइए आंसर क्या होगा? वेरी गुड, इसका आंसर होगा 75, ठीक है। आंसर क्या होगा? 75 होगा। बेसिकली ये जो अवार्ड दिया गया था, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स WTI इन 2022, ये आपका एक आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक पार्ट है, आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक पार्ट है। 75 विनर्स को दिया गया, क्योंकि हम 75th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? 75th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, और 75th, इसीलिए 75 विनर्स को अवार्ड दिया गया है। और ये इस बार कौन सा एडिशन था अवार्ड्स का, बताइए आप लोग। वेरी गुड वेरी गुड, कौन सा एडिशन था? फिफ्थ एडिशन था इस बार, इस बार का ये फिफ्थ एडिशन रहा है, ठीक है, इस बार का फिफ्थ एडिशन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड उज्बेकिस्तान विच किक्ड ऑफ इन मार्च 2022 एट यांगिरिक? उस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताना है आपको, जो इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान की आर्मी के बीच में है। बताइए स्टूडेंट्स का आंसर क्या होगा? वेरी गुड वेरी गुड, आस्था शुक्ला, इसका आंसर यहां पर बी होगा, दैट इज एक्स डस्टलिक। एक्स डस्टलिक वो एक्सरसाइज है जो इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान की आर्मी के बीच में हुआ है, ठीक है, कहां पर? यांगरिक में। एक चीज और याद रखना, जो हमारी उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान ये कंट्री है कहां पर? सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया में ये हमारी ये कंट्री है उज्बेकिस्तान। अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल उज्बेकिस्तान का क्या है? टेशकैंट। टेशकैंट कैपिटल है, और करेंसी क्या है? उज्बेकिस्तानी सोम, उज्बेकिस्तानी। ये हमारी करेंसी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 एज पर द नाइट फ्रैंक? सो नाइट फ्रैंक के मुताबिक हमारा रैंक क्या है इंडिया की ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 में, बताइए कौन सी रैंक है? व्हाट विल बी द राइट आंसर स्टूडेंट्स? वेरी गुड, योर आंसर यहाँ विल बी 51। सो 51 रैंक है ग्लोबल प्राइस इंडेक्स इंडिया Q4 2021 एज पर दी नाइट फ्रैंक में। नाइट फ्रैंक की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है नाइट फ्रैंक का? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में।
लंदन यूनाइटेड किंगडम में हेडक्वार्टर है, फाउंडर कौन है, होवर्ड फ्रैंक, होवर्ड फ्रैंक, इसलिए इस वजह से इनका नाम नाइट फ्रैंक पड़ा है, ठीक है। 1896 में फाउंड की हुआ था, 1896 में फाउंड हुआ था। नेक्स्ट, विच डे ऑफ द ईयर इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे अक्रॉस द वर्ल्ड, किस दिन को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाते हैं, फटाफट से आंसर करना, व्हाट विल बी द राइट आंसर। योर आंसर यहाँ विल बी सी, दैट इज 23rd of March। 23rd of March को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाते हैं, और ये कब से मनाते आ रहे हैं हम, 1950 से ये मनाते आ रहे हैं, ठीक है, 1950, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 1950, हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी, ये जो हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है 1950 में ये हुआ था, ठीक है, 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था, और कब से हम मनाते आ रहे हैं, 1961 से मनाते आ रहे हैं। नेक्स्ट, मार्च 23 इज ऑब्जर्व एज मैट्रियाज डे टू कॉमेमोरेट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। मार्च 23 को मैट्रियाज जो हम कॉमेमोरेट करते हैं, किसकी डेथ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बताइए। योर आंसर यह विल बी ए, दैट इज भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराज राजगुरु, शिवराज राजगुरु। प्रिया शाह, फोकस करो बेटा पढ़ाई पर, ठीक है, कहीं नहीं जाना है, चुपचाप पढ़ना है। लेट सोमेलू बोबे मैगा, इनको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया किस कंट्री का, लेट सोम्यू बिल्कुल लेट सोमेलू बोबे मैगा, इनको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया कहाँ का बेटा, माली का, माली का, ठीक है, माली कंट्री है एक। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ 2022 वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, तो थीम क्या होगा बेटा, अर्ली मॉर्निंग एंड अर्ली एक्शन, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। नेक्स्ट, किस स्टेट, कौन सा स्टेट है जो बन चुका है पहला स्टेट कंट्री में जिसने इंप्लीमेंट किया है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, NEVA प्रोग्राम, और ये कम्प्लीटली बन चुका है पेपरलेस। पेपरलेस मतलब क्या होता है कि अब ये ऑनलाइन, मतलब ये सारी चीज़ें आपके ऑनलाइन माध्यम से होंगी, सारा पेपरलेस का मतलब होता है ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन पे होगा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा। सो किस स्टेट ने पहला स्टेट बन चुका है जिसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन पूरी तरीके से पेपरलेस कर दिया, ऑनलाइन कर दिया है। आंसर विल बी डी, दैट इज नागालैंड। नागालैंड का कैपिटल क्या है, विच स्टेट हैंडमेड नारा सिंगापेती नागेश्वरम गॉट द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग अंडर द कैटेगरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास 15। सो कौन से स्टेट है, कौन से स्टेट का हैंडमेड नारा सिंगापेती नागेश्वरम में जिसको मिला है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में। सो फटाफट से आंसर करिएगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर स्टूडेंट्स। योर आंसर हियर विल बी, योर आंसर यह विल बी तमिलनाडु, ठीक है, योर आंसर विल बी तमिलनाडु। नेक्स्ट, किस कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं शहाबुद्दीन अहमद, इनका हाल ही में निधन हो गया बेटा, तो आंसर यहाँ पर डी होगा, दैट इज बांग्लादेश। बांग्लादेश के शहाबुद्दीन अहमद है फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ दैट इट्स टेम्परेचर रीचेज 53.2 डिग्री लास्ट समर, तो कौन सा राज्य, कौन सा प्लेस है अर्थ में जिसका टेम्परेचर 53.2 डिग्री पहुंच चुका है, आंसर यहां पर क्या होगा, योर टैडी क्या हो गया, हम सॉरी प्लीज तभी से बहुत कंट्रोल किए हैं, अब नहीं हो पा रहा है, सॉरी बाय। ये क्या होता है टैडी बियर जी, योर टैडी क्या हो गया, कोई दिक्कत आ रही है क्या आपको, ये देखिए योर टैडी बोल रहा है मेरे चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है, अचानक से हम क्लास नहीं कर पाएंगे, सॉरी बाय, तभी से हल्का हो रहा था अभी ज़्यादा हो गया है। अच्छा, सच में दर्द कर रहा है या फिर फर्जी तुम्हारे दिल में दर्द है। योर आंसर विल बी ए, दैट इज कुवैत। योर आंसर विल बी कुवैत। नेक्स्ट,
Which country topped in the global house price index Q4 as per Knight Frank? Okay, Vishesh Shukla ji. विशेष विशेष विशेष, थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, ठीक है? हाँ, विशेष लिखे हैं, मैम आप क्या बोलूँ यार, बहुत अच्छे लगते हो विशेष जी। मैं आपको एक बात बता दूँ, जब आप एग्ज़ाम दोगे ना CUET का, जब कोई आंसर नहीं आएगा ना, तब आप सबसे ज़्यादा गालियाँ मुझे ही दोगे, ठीक है? सबसे ज़्यादा मुझे ही बोलोगे, ठीक है? तो इसीलिए चुपचाप पढ़ाई कर लो, राइट? हाँ, थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है? तो इसीलिए चुपचाप पढ़ाई कर लो, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे ना, तो फिर क्या होगे, फिर जो 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 टैडी जी को हो रहा है वो आपको होगा, दिल का दौरा पड़ेगा, दिल का दर्द बहुत होगा, ठीक है? तो इसीलिए चुपचाप पढ़ाई कर लो, तो एग्ज़ाम में कोई नहीं याद आएगा, एग्ज़ाम में कोई याद नहीं आएगा, एग्ज़ाम में बस तुम्हारा दिल दर्द करेगा। हाँ समझ रहे हो ना, दिल को दौड़ा पड़ेगा फिर। योर आंसर विल बी डी, दैट इज टर्की। तो कौन सी कंट्री ने टॉप किया है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 एज पर नाइट फ्रैंक? योर आंसर विल बी टर्की। नेक्स्ट, इंडिया का पहला पैरा बैडमिंटन एकेडमी किस सिटी में हेल्ड हुआ है? सक्षम वाजपेयी, योर आंसर या विल बी, बताइए, इंडिया का पहला पैरा बैडमिंटन एकेडमी किस सिटी में सेटअप हुआ है? अखिलेश वर्मा, कोई बात नहीं। हाँ, योर आंसर या विल बी सी, दैट इज लखनऊ। तो इंडिया का पहला पैरा बैडमिंटन एकेडमी किस सिटी में हेल्ड हुआ है? योर आंसर या विल बी सी, दैट इज लखनऊ, ठीक है? ऑब्वियसली रिविजन रिविजन नहीं करोगे तो याद कैसे आएगा? दीपू पढ़ो, रिसेंटली टेनिस प्लेयर एशले बार्टे हैं ये न्यूज में थी फॉर अनाउंसिंग हर रिटायरमेंट फ्रॉम द टेनिस एट द एज ऑफ 25 ईयर्स। शी प्लेड टेनिस फॉर विच कंट्री? सो हाल ही में टेनिस प्लेयर हैं एशले बार्टे, ये न्यूज में थी अपने रिटायरमेंट के लिए, ठीक है? क्योंकि इन्होंने 25 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया है। अच्छा, ये किस कंट्री के लिए खेलती थी, फटाफट से आंसर करिएगा। सक्षम वाजपेयी, बिल्कुल बेटा, ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। आप 301 आर वॉचिंग, 301 आर वॉचिंग, और आप लोग का लाइक बहुत कम है, 151 लाइक है, फटाफट से लाइक कर दीजिए सेशन को। इसका आंसर क्या होगा बताइए? हाँ, इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, कुछ बच्चे ऑस्ट्रेलिया बोल रहे हैं। योर आंसर हियर विल बी दैट इज ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया से ये खेला करती थी। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या बेटा? कैनबरा है, और करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है, ठीक है? सो कैनबरा कैपिटल है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है, और इनका नाम क्या है? एशले बार्टे। नेक्स्ट, इंडिया का GDP ग्रोथ रेट क्या है 2022-23 के लिए OECD के अकॉर्डिंग? OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसके अकॉर्डिंग GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन कितना है बताइए? बताइए इसका आंसर फटाफट से क्या होगा? ठीक है बेटा दीपू, कल से मैं हिंदी में लेके आऊंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों। कल से आई प्रॉमिस कि आपका जो सेशन होगा वो अंग्रेजी में भी होगा और आपका हिंदी में भी होगा, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में लेके आऊंगी, ठीक है? डोंट वरी। हाँ, योर आंसर विल बी डी, दैट इज 8.1%। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट OECD की बात करें तो OECD का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में बेटा हेडक्वार्टर है। फाउंड कब हुआ था? 30th of September 1961 में फाउंड हुआ था, ठीक है? बिल्कुल, सब्सिडरी क्या है? OECD डेवलपमेंट सेंटर सब्सिडरी है, ठीक? चलिए,
ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका क्या है फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है अनफिल्ड बैरल्स, इंडियाज ओल्ड स्टोरी। तो फटाफट से इसका आंसर करना, व्हाट विल बी द राइट आंसर। एक बुक लिखी गई है अनफिल्ड बैरल्स, इंडियाज ओल्ड स्टोरी, इसके ऑथर कौन है? भूख लग गई है बताओ, मैं यहां से सुबह 7 बजे से पढ़ा रही हूं, सुबह 7 बजे से मैं पढ़ा रही हूं 7 AM पे, तो 7 बजे मेरी आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लास थी सुबह 7 बजे, उसके बाद आपकी 8 बजे आपकी NDA चैनल पर मेरी क्लास थी करंट अफेयर्स की, उसके बाद 8:30 बजे आपकी ये CUET की मॉक की क्लास थी। आपको क्या पता है मैं सुबह 7 बजे से क्लास ले रही हूँ, 7 बजे फिर 8 बजे फिर 8:30 बजे, और ये क्लास अभी आई थिंक 9:30 बजे तक चलेगा, और सुबह हम उठ गए थे 5 बजे, ठीक है 5 AM पे, तो 5 बजे उठ गए थे, तब से सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी पिए हैं और कुछ नहीं खाए हैं, ठीक है, और अपनी ग्रीन टी लिए हैं, तो गर्म पानी और ग्रीन टी पिए बस, उसके बाद आपका लगातार आपका सेशन ले रहे हैं, सुबह 7 बजे फिर 8 बजे फिर 8:30 बजे। क्या मुझे भूख नहीं लग रही है बताओ? आपको वहां पे सिर्फ पढ़ाई करनी है, फिर पढ़ाई नहीं होती आपसे, देखो अंजलि राय बोल रही है हम क्या करें, मर जाएं, मर जाओ, जाओ जस्ट गो। ये सब कैसी कैसी बातें तुम लोग करते हो, मतलब वो होता नहीं है कि क्या बोलते हैं जो आजकल मेम चला है, बस वही बोलना है सबको ना, वो कौन से शहनाज गिल का एक जो मेम आया है, क्या करूं मैं, मर जाऊं, तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारी, मेरी मतलब मेरी कोई फीलिंग्स ही नहीं है, हैं? चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा, योर आंसर विल बी डी, दैट इज ऋचा मिश्रा, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, बताइए हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, बताइए फटाफट से आंसर करेगा। हाँ योर आंसर हियर विल बी सी, दैट इज पुष्कर सिंह धामी। सो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज इंटरनेशनल डे फॉर द राइट ऑफ द ट्रुथ कंसर्निंग द ग्रॉस ह्यूमन राइट वायोलेशन फॉर द डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स ऑब्जर्व। तो ये आपको बताना है कि इंटरनेशनल डे फॉर द राइट्स टू द ट्रुथ कंसर्निंग ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायोलेशन एंड फॉर द डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। फटाफट से आंसर करेगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर स्टूडेंट्स। वेरी गुड, योर आंसर हियर विल बी सी, दैट इज मार्च 24 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वॉट ट्यूबरकुलोसिस डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है बेटा, बताओ? हाँ, वॉट ट्यूबरकुलोसिस ऑब्जर्व किया जाता है 24th of March को ऑब्जर्व किया जाता है बेटा। इस बार बताइए कि वॉट ट्यूबरकुलोसिस डे 2022 का थीम क्या है, फटाफट से आंसर करना, वॉट ट्यूबरकुलोसिस डे का थीम क्या है। आंसर यहाँ पर सी होगा, इन्वेस्ट टू एंड ट्यूबरकुलोसिस सेव लाइव्स, इन्वेस्ट टू एंड ट्यूबरकुलोसिस सेव लाइव्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया इज सेट टू बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस द कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग फॉर द बेटर सॉयल हेल्थ। कौन सा राज्य है इंडिया में जो बन चुका है पहला राज्य, ठीक है, हमारी कंट्री में जिसने इंट्रोड्यूस किया है कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग ताकि जो सॉइल की हेल्थ है वो बेटर हो सके। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, योर आंसर विल बी डी, दैट इज केरला। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दिया है लाइसेंस पीपल कोऑपरेटिव बैंक का, ये कहां पर है ये आपको बताना है स्टूडेंट्स। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो बच्चे यहां पे पढ़ने आते हैं सिर्फ, ठीक है, जो यहां पे सिर्फ स्टडी करने आते हैं, जिनको अपने एग्जाम्स क्रैक करने हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी BHU JNU JMU जहां पे एडमिशन लेना है उनको अच्छे कॉलेज में, वो चुपचाप पढ़ाई करेंगे, ठीक है, और जो बाकी बच्चों को जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फितूर के लिए आते हैं अपना टाइम वेस्ट करने 1 घंटे के लिए, तो वो उन पे आप ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। जो बच्चे सीरियस हैं, जो अपने एग्जाम्स के लिए सीरियस हैं, जिनका सिलेक्शन भी होगा इस बार, तो वो थोड़ा सा फोकस करेंगे क्लास पर, क्योंकि टाइम कम है और पढ़ना ज़्यादा है, इसलिए फोकस ऑन योर स्टडी, ठीक है, बिल्कुल।
योर आंसर हियर विल बी डी, दैट इज कानपुर. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एट डैश उत्तर प्रदेश. इसका आंसर क्या होगा बताओ स्टूडेंट्स. योर आंसर हियर विल बी कानपुर. नेक्स्ट, हु हैज बिकम द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड. पहली पैरा एथलीटिक कौन बनी है जिनको रिसीव हुआ है पद्म भूषण अवार्ड. फटाफट से आंसर करिएगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर स्टूडेंट्स. बताइए. योर आंसर हियर विल बी बी, दैट इज देवेंद्र झझरिया. सो द देवेंद्र झझरिया को रिसीव हुआ है बच्चे, ये पहले पैरा एथलीट है जिनको मिला है पद्म भूषण अवार्ड. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे. मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड फिक्की ने ज्वाइन किया है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और फिक्की ने जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया है एशिया का लार्जेस्ट इवेंट ऑन सिविल एविएशन, कमर्शियल जनरल एंड बिजनेस एविएशन, जिसका टाइटल है विंग्स इंडिया 2022. आपको बताना है ये कहाँ पर किया गया है. तो इसका आंसर यहाँ पर होगा डी, इसका आंसर डी होगा, दैट इज हैदराबाद. हैदराबाद में बेटा किया गया है. नेक्स्ट, इनमें से कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च किया है ग्रीन डिपॉजिट. कौन से बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को लॉन्च किया है ताकि ये सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर सकें. तो इसका आंसर यहाँ पर ए होगा, डीबीएस बैंक. नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है बिप्लव भारत गैलरी. ये कहाँ पर लोकेटेड है, बिप्लव भारत गैलरी ये कहाँ पर लोकेटेड है बताइए. आंसर यहां पर होगा डी, दैट इज कोलकाता. कोलकाता में लोकेटेड है बेटा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लेफ्टिनेंट जनरल है मनोज सिन्हा, उन्होंने एड्रेस किया है गल्फ कंट्रीज इन्वेस्टमेंट समिट में SKICC. ये कहां पर है ये आपको बताना है. इसका आंसर यहां पर बी होगा, दैट इज श्रीनगर. सो श्रीनगर के SKICC में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा ने एड्रेस किया है गल्फ कंट्रीज इन्वेस्टमेंट समिट को. नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, What is the theme of the Wings India 2022? इसका आंसर यहां पर सी होगा, इंडिया एट द रेट 75, न्यू हॉरिजॉन फॉर एविएशन इंडस्ट्री. ठीक है, सो इंडिया एट द रेट 75, न्यू हॉरिजॉन फॉर एविएशन इंडस्ट्री बेटा ये थीम है विंग्स इंडिया 2022 का. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन ऑफ टुडे. कल आपकी सुबह क्लास होगी डेली करंट अफेयर्स की. डोंट मिस दी डेली करंट अफेयर्स क्लास, क्योंकि क्वेश्चंस आपका एक दिन पहले भी आ सकता है, एक दिन पहले के न्यूज़ के भी क्वेश्चंस आते हैं. सो जुलाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर यू ऑल. डोंट मिस दी डेली करंट अफेयर सेशन, पहली बात. दूसरी बात है, मॉक टेस्ट सीरीज 4 हम कल कवर करने वाले हैं. और गुजारिश है कि आप अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करिए, और इस बार सिलेक्शन आपको लेना ही लेना है. जस्ट मोटिवेट योर सेल्फ डेली एंड गिव योर 100%. ठीक है, बाकी मैं तो हूँ ही आपके लिए. लाइक कर दीजिएगा सेशन को, शेयर कर दीजिएगा. अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे अपने नए दिन के करंट अफेयर्स के साथ. अंटिल देन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. जय हिंद स्टूडेंट्स.